हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे विराट कोहली की आउटलाइन। जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। तो आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको, और क्या क्या करना पड़ता है ये सब चीज़ें बताऊँगा, स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको करना क्या है, ड्राइंग ग्रिड सर्च करना है, ठीक है। अब जैसे ही ड्राइंग ग्रिड सर्च करोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, पहले देखिए, उस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक करिए, मैंने इंस्टॉल कर रखा। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा हो तो सिर्फ ओपन करने का है, ठीक है। ओपन किया आपने, ओपन करने के बाद ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें पहले वाले पे क्लिक करेंगे और फोटो को चूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये विराट कोहली की फ़ोटो ले लिया, ठीक है। अब मुझे इस पर ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। चौथे नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे इसमें 18 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें 18 लिख दिया और ये देखिए ब्लॉक बन गए। और ये दोनों जो बगल में, इस पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो ये हमारे कुछ ब्लॉक इस तरह से हो जाएंगे, एकदम बराबर हो जाएंगे। और ये ब्लॉक जो थे, उसकी लाइन जो थी थोड़ी मोटी थी, देखिए अब पतली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये लाइन आप भी पतली कर सकते हो। जो माइनस वाला बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से हो जाएगी ये लाइन जो है। इसको आप कलर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे ये यहाँ से आप कलर कर सकते हो। मैंने रेड ले लिया है। अगर आपको रेड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वैसे ही कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक और है, यहाँ से आप अगर बिगनर हो तो इस तरह से ब्लॉक बना सकते हो। काउंट नंबर भी कर सकते हो, ये देखिए सारे नंबर इस पर आप काउंट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इन दोनों अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। जैसे ये मैंने हटा दिया, ठीक। देखिए, अगर आपको इस तरह से ब्लॉक चाहिए तो यहाँ से कर लीजिए। बाकी सेव वाले बटन पर सेव कर लिया। अब हम बैक करेंगे, ठीक है। बैक करके जहाँ पर फोटो हमारी सेफ है वहाँ पर जाएंगे। देखिए, ये इसके एक नाम से एक अलग फोल्डर बन जाता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा ग्रिड एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जिस पेपर पे हमें बनाना है तो ऐसे बनाना। मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है, ठीक है। और एक ब्लॉक जो होगा 2 सेंटीमीटर के होंगे। सारे ब्लॉक जो हैं 2 सेंटीमीटर के ही हैं, सारे ब्लॉक बराबर होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो फोटो है, फोटो पर जो है उसको हम काउंट कर लेंगे। उतना ही काउंट करेंगे जितना हमें इस पर काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये काउंट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यारा बनने वाला है। और जो लोग बिगनर है, प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। और मैं एकदम प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आपने इस ड्राइंग को देखा तो आप अच्छे से बनाना सीख जाओगे। और डेफिनेटली आप एकदम अच्छे से सीखोगे कि किसी की भी आउटलाइन आप अच्छे से बना सकोगे। और ड्राइंग अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा। और जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मैं और चीज़ अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप काउंट किया आपने, काउंट करने के बाद आप जो आउटलाइन करना, सबसे पहले जो काम करना है वो है फेस के नीचे पार्ट से स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपको फेस के जितने बाहर के पार्ट हैं उसको आप पहले बना लोगे, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, बस आपको ड्राइंग देखनी है और कैसे मैं बना रहा हूँ वैसी चीज़ आपको वैसे ही बनानी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है। 2-3 मिनट के अंदर जो भी होगा, इरेज करना कुछ चीज़ें बाकी रहेंगी, नहीं तो ये 15 मिनट के अंदर आपको ये ड्राइंग पूरी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। कुछ चीज़ें होंगी जो फिनिशिंग करनी होगी, उसको हम करते रहेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आउटलाइन जब स्टार्टिंग में बनाते हो फेस के बाहर के पार्ट को, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और बहुत ही प्यारी बनेगी, ठीक है। आउटलाइन बना, उसके बाद मैं शेडिंग करूँगा, क्योंकि अभी ये नया पिक मुझे मिला है और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खोजी जो देखा ऑलरेडी पहले बहुत लोगों ने बना रखा था। तो मैंने सोचा कुछ नया फ़ोटो बनाते हैं, और ये मुझे मिला। और पता नहीं कितने लोगों ने बनाया है, कितने लोगों ने नहीं बनाया है, तो मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए, तो मैंने इसको चूज़ किया और अच्छे से बनाया, ठीक। आज आउटलाइन बना रहा हूँ, हो सकेगा तो जल्दी इसकी मैं शेडिंग पार्ट भी अच्छे से बना दूँगा। और जिन दोस्तों को ये फ़ोटो चाहिए होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे फ़ोटो दे दूँगा, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में बनना बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इसी तरह से बनेगी पूरी ड्राइंग। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। और बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आपको देखना है, सीखना है, जानना है, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपके कोई सवाल है, अगर आप नहीं बना पा रहे हो सारी चीज़ें, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो या मुझे बता सकते हो सर कि मुझे इस पार्ट को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों, क्या होता है, नोज़ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है,
बचपन जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप मुझे बता दिया करो, मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगा, ठीक है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको प्रॉब्लम होती है उनसे पूछते भी हैं और मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ और वो लोग अच्छे से आजकल बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्त मुझे जो फ़ोटो भी सेंड करते हैं, ठीक है। किसी दिन मैं लाइव आऊँगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाऊँगा या बताऊँगा सारी चीज़ें कि उन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड की थी कि उन्होंने नहीं की थी सारी चीज़ें। बहुत जल्दी मैं लाइव भी आऊँगा और हो सकेगा तो बहुत 2-3 दिन के अंदर ही आऊँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो एक साइड का पार्ट है वो बन गया है, उसके बाद अभी इसको जब अच्छे से बनाएंगे पूरा पार्ट जब बन जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। फिर आप मैं एंडिंग में थोड़ा सा वीडियो डाल दूँगा जूम करके अच्छे से दिखा के, ताकि आप अच्छे से देख लेना उसको, ठीक है। और ये यही एक तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है और बिगनर जो हैं उनको भी ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और क्या होता है कि जब बच्चे ड्राइंग करते हैं तो जब चीज़ें नहीं बना पाते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो ये तरीका अगर आप अपनाते हो तो आप कभी परेशान नहीं होगे, आप अच्छे से ड्राइंग कर लोगे, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा और वर्क करने के बाद आप या फिर आपको कह सकता हूँ कि 2-3 महीने या फिर आपको या फिर कुछ दिन में ही आप अच्छे से ड्राइंग करने लगोगे, ठीक है। बस आपको हल्के हल्के हाथों से देखना, बस अभी जैसे हेयर जो है उसको हमें क्या करना होगा कि हमें बहुत हल्के हाथों से चीज़ें बनानी है, ठीक है। जब हम शेडिंग करेंगे तो इसमें अलग अलग पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि डार्क जहाँ पे हम वहाँ पे डार्क वाली पेंसिल का यूज़ करना होगा, जहाँ पे हल्का है वहाँ पे मुझे हल्की पेंसिल का यूज़ करना होगा। तो शेडिंग वाला जो है वो शेडिंग वाले पार्ट में बात करेंगे। अभी जो है आउटलाइन है तो आउटलाइन के बारे में आपको बता दूँ, तो इसमें आप कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो कोई पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, आप आर्ट अच्छा बनाते हो या फिर आप आर्ट बनाना चाह रहे हो तो आप पर सारी जानकारी है चाहिए तो आपको उसमें करना क्या है कि जो पेंसिल सबसे हल्की हो, जैसे HB पेंसिल या फिर उससे भी पेंसिल हल्की है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हल्की पेंसिल से आउटलाइन बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि आप जब चीज़ें बनाओगे तो आपको ज़्यादा इरेज नहीं करना पड़ता और बहुत ही हल्के हाथ से बनती चीज़ें, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे कि बहुत सारी पेंसिल होती हैं एक दूसरे पे नहीं चलती है, जो जैसे कि ये जो आर्ट लाइन की पेंसिल होगी, आर्ट लाइन की पेंसिल चारकोल पे नहीं चलेगी, ठीक है, या फिर वो पेंसिल उस पे नहीं चलती हैं, क्योंकि दोनों पेंसिल एकदम अलग हैं, ठीक है। चारकोल जो होती है वो आप जब कभी देखिएगा उसको, पेज को अगर आप थोड़ा सा तिरछा करोगे लाइट के सामने तो वो चमकने लगता है, और जो चारकोल होता है वो चमकता नहीं, क्योंकि वो बहुत डार्क है और उसमें चिकनाहट बहुत कम होती है, ठीक है, खुदरा होता थोड़ा सा। तो इसी तरह से आपको बनाना है, पहले बाहर के पार्ट को अच्छे से बना लेने से ईयर वो है तो उसको अच्छे से बना लेंगे। मेन जो मुख्य पार्ट है वो है आई, नोज और लिप। इन चीज़ को मैं अच्छे से आराम से लास्ट में बनाता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर वो बन जाती हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, बस ड्राइंग को आपको पूरा देखना है और बहुत ही आराम से देखना चीज़ें कि कहीं ध्यान उधर, मतलब ये नहीं कि आप इसको भी देख रहे हो उसके बाद कुछ और भी कर रहे हो तो ऐसा मत करना। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें हम दिमाग से चली जाती है, कुछ बहुत बारीकी चीज़ होती है जो मैं बनाऊँगा वो आपको समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप जब बनाओगे तो फिर आपको फिर से समझना पड़ेगा, फिर से वीडियो को पूरा देखना होगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार बहुत ध्यान से देख लो, उसके बाद अपने ड्राइंग में फिर उसको चीज़ें फॉलो करो, या फिर आप ना समझ बार बार देखो, 2-3 बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे मैं करता हूँ, कैसे बनाता हूँ सारी चीज़, ठीक है। तो ये है, और यहाँ से बियर्ड बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इससे अच्छे से अच्छा बना सकते हो, ठीक है। बस आप जितना टाइम दोगे चीज़ें उतनी अच्छी बनेंगी, कम टाइम दोगे तो कम अच्छी बनेंगी, तो इसलिए आपको टाइम देना है प्रॉपर, ठीक है। अब सोचिए कि जैसे कि अभी ये 10 मिनट होने वाले हैं तो 10 मिनट के अंदर इतना बन गया, उसके बाद 10 मिनट के अंदर पूरा अच्छे से बन जाएगा तो कितना मज़ा आएगा, मतलब कि एकदम रियल टाइम है इसमें, कोई ये नहीं कि मैं थोड़ा सा अभी स्पीड बढ़ा दिया हूँ या फिर चीज़ें और धीमे कर दी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही बन रही है।
ठीक है, तो इसमें आप बहुत कुछ समझते हो, सीखते हो, जानते हो कैसे मैं बनाता हूँ। और आउटलाइन बनाने में आपको दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं, कि जो लाइन आप खींचते हो अगर वो लाइन थोड़ा सा भी तिरछी है, फिर आप उस पर डबल तिबल लाइन चला देते हो, तो चीज़ें मत करिएगा। उससे क्या होता है कि जब शेडिंग करते हो तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि यार पहली लाइन है कि दूसरी लाइन है, कैसे करें कैसे ना करें, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपकी लाइन जो है एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, या फिर टेढ़ ना हो, बस कहने का मतलब ये है, या फिर आप समझ जाना कि कैसे करना है मुझे, कैसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं भी दो तीन लाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये है ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई ना। अब ये क्या करूँगा, ये मैं तो समझ जाऊँगा, लेकिन आप नहीं समझोगे। जब आप शेडिंग करोगे तो लाइन एक इस साइड चली जाएगी, एक उस साइड चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मत करना, जैसे मैंने किया है, ये चीज़ें मैं आपको बताने के लिए गया हूँ, आप मत करना, ठीक है, क्योंकि एक लाइन रहेगी तो आपको भी शेडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आउटलाइन इसी बात के लिए बनाई जाती है कि भाई आपकी कोई भी चीज़ इधर के उधर ना हो और अच्छे से बन जाए। आज क्या हुआ कि आज मैं इस पार्ट से, हमेशा मैं राइट से बनाता हूँ, नहीं लेफ्ट पार्ट से बनाता हूँ, आज मैंने राइट पार्ट से बना दिया, तो इसलिए ये जो इतना ऑप्शन जो छूट जा रहे हैं इसीलिए हुआ है, नहीं तो ये सेंटर पार्ट में होता, क्योंकि मैं बिना काउंट करके आज बनाया इस साइड से, ठीक है, तो ऊपर से काउंट किया था, इस साइड से काउंट नहीं किया था, तो चीज़ें बहुत इस तरह से हो गई हैं, ठीक है। आप ये गलती मत करना, नहीं तो आप मैच नहीं करा पाओगे, तो वह चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे मुझे तो इतना आइडिया था कि मैं मैच करा लूँगा, और यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी, ठीक है। अब ये जो टी शर्ट का पार्ट है, इसको हम इस कॉर्नर से उस कॉर्नर मिला देंगे, तो हमारा जो ये है, ये पार्ट भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। ये बियर्ड को हम यहाँ से मिला देंगे, ये इस वायर रूट पे, ठीक है, तो हमारा ये बियर्ड पूरा अच्छे से बन गया है। इसको हम शेडिंग करेंगे तो इसको हम भरेंगे, अभी इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं मेन पार्ट जो है फेस के, जैसे नोज, आई, लिप, ठीक है, तो आई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई जो है, आईब्रो को हम पहले बनाएंगे, आईब्रो बनाने के बाद हम आई को बनाएंगे, ठीक है। इसको आप हल्का शेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे शेड नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें अभी छूट रही हैं, उसको हम बाद में शेडिंग कर लेंगे। शेडिंग करते करते बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में आ जाती हैं, उसको हम सही कर लेते हैं। जैसे अभी आईब्रो जो बना रहा हूँ, चीज़ें अभी ऐसी नहीं है, ठीक है, इसको हमें और सीधा करके बनाना चाहिए, लेकिन हम इसको भी बाद में या फिर बीच में भी समझ में आकर कर लेते हैं, जब भी जहाँ जगह मिलेगा हमें वो हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आई बनाना, तो हमें ये डॉट करना होगा, ये यहाँ से ये इतनी दूरी पे है, ये अब दूसरा भी डॉट कर लेंगे, जैसे ये यहाँ पे, ठीक है। ये सारा चीज़ डॉट अगर आप करके बनाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ये हमने डॉट इधर से किया, यहाँ से ये हमारी जो आई है वो इस तरह से कुछ बन गई, क्योंकि साइड आई जो होती है वो थोड़ा सा टफ नहीं, बहुत आसान होती है, उसको लोग टफ बना देते हैं, क्योंकि कुछ मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं सर साइड आग जो होती है वो बनती नहीं है, तो क्योंकि उसमें कई तरीके से, क्योंकि जानते हो जैसे कि आप सामने से देखते हो तो जो लेंस होता है हमारा वो छुप जाता है, या फिर डार्क एक साइड लाइट पड़ रही है आँख पे, तो जो उसका कुछ पार्ट होते हैं वो समझ में नहीं आते, इसीलिए बनाना थोड़ा टफ होता है। जो सामने वाली आई होती है वो तो आराम से बन जाती है, ठीक। अब सेकंड आई, तो उस पार्ट में वो दिख नहीं रही है, तो उसका सिर्फ आईब्रो दिख रहा है, जैसे ये यहाँ पे था, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा कर लिया हमें, ठीक। तो अब जो है इसके बाद हम नोज बनाएंगे, वो नोज तो बनी गई है ऑलरेडी, नोज का कुछ पार्ट है उसको अच्छे से बना देंगे।
ये यहाँ से हल्के उसको करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आउटलाइन कर जब फेस नहीं बनाते, जिससे भी ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जा रही है हमारे लिए, आराम से कर ले रहे हैं। यही चीज़ हम पहले से बनाते हैं तो उसमें आपको उतनी चीज़ समझ में आती सही से। ये पहले क्या था कि जो नोज थी वो एकदम गोल में थी, अब इसको हल्का सा रेस करके यहाँ से हम पूरा सेट कर लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोज के अंदर ये पार्ट को हम बना लेंगे, उसके बाद हमारा जो आउटलाइन होगा, मेन जो आउटलाइन होगा, मैंने आपको कहा था ना 10 से 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ बन जाती है, 15 से 20 मिनट के अंदर। तो देखिए 15 मिनट के अंदर हमारा जो मोटा मोटा पार्ट था वो अच्छे से बन गया है, ठीक है। बस ये थोड़ा बियर्ड बना देंगे, इसके बाद हमारा जो मेन है, जो मोटा मोटा पार्ट है वो बन गया है। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि कहाँ से कैसे चीज़ें सेट करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना है। क्योंकि जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा है वो अच्छे से बन गया है तो हमें अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ये है हमारा मेन पार्ट जो पूरा अच्छे से बन गया है। अब इसके बाद हमें हल्का हल्का से वो चीज़ें करनी है जहाँ पर हमें शेडिंग करनी है, कहाँ पर कौन सा कितने हेयर हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा, कौन सा हेयर किस डायरेक्शन में भाग रहा है। ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेंगे तो हमें शेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ से ये चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है, ये हेयर हल्के हाथ से ऐसे ही होंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ें छूटी हैं बस उसको हल्के हल्के हाथ से देखना है जहाँ पे मिलाना है हमें, क्योंकि शेडिंग करते समय ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें अभी अगर अच्छी नहीं बनेंगी तो फिर आपका पूरा मेहनत ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बनाया जाता है। अभी बीच में देखिए लाइट कट गई थी, दो रंग की हो गई, थोड़ा सा साफ लाइट हो गया, ठीक है। लाइट बाद में तेज़ लाइट आई है तो चीज़ें जो छूटी थी वो अच्छे से कर ले रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लाइट भी कट जाती है ड्राइंग करते करते, ठीक है। तो लेकिन हम वहीं से बनाते हैं जहाँ से चीज़ें छूटी होती हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए ड्राइंग की जो आउटलाइन है और ही खूबसूरत लग रही है, और ही क्योंकि शेडिंग करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से जब हम लोग बना लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब शेडिंग करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जो चीज़ें 4 घंटे में होने हुई थी वो कुल मिला के हो गया हमारा 1.5 से 2 घंटे में काम हो गया, मतलब उसका जस्ट आधा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर सुंदर आउटलाइन में नहीं होगा आपकी बहुत सारी मतलब जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी वो सब ख़त्म हो गई, तब तो आप शेडिंग क्या करोगे। हेयर में अच्छे से ध्यान दोगे, उसके बाद बियर में दोगे अपना, उसके बाद आई नोज लिप में दे दोगे, बस आपकी ड्राइंग बन जाती है। उसके बाद हमें करना क्या, मेन जो जैसे कि गले में जो चीज़ें हैं उसको ध्यान देना होगा, ईयर में जो चीज़ें हैं। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें बना देते हैं अच्छा से, उसके बाद उसको फिर वैसे ही लाइन अप कर देते हैं कि ठीक है चलो बन गया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है और बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप अच्छे से सारी चीज़ें बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, बहुत ही आराम से इरेज करेंगे ताकि जो अंदर के पार्ट में मिटे ना, ठीक है। और बाद में जो चीज़ें मिट जाएंगी उनको हम ध्यान से देख लेंगे। थोड़ा समय से फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आई होप कि आपको ये आउटलाइन बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए हमको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आउटलाइन है और हम आपको मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।